गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास इलेवेंथ का जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसका जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसको देखते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पहले भी बताया जा चुका है। पोर्ट्रेट मीन्स होता है शब्द चित्र, ऑफ ए लेडी माने एक महिला का, एक स्त्री का। तो पाठ का आपका नाम है एक महिला का शब्द चित्र। इसके जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, इन्होंने अपनी दादी के को अपने शब्द चित्रों में खींचा हुआ है। उन्होंने अपनी दादी का वर्णन ब्रीफली किया हुआ है इस लेसन में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट लाइन्स क्या हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। सी हैड ऑलवेज बीन, वो सदैव रही शॉर्ट छोटे कद की, एंड फैट और मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और पूरी तरीके से झुकी हुई। तो वह सदैव छोटी मोटी और स्लाइटली माने बिल्कुल झुकी हुई रही। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर थी क्रिस क्रॉस मीन्स आड़ी तिरछी, क्रिस क्रॉस मीन्स आड़ी तिरछी ऑफ रिंकल्स झुर्रियाँ रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो कहने का मतलब है उनके फेस पर या उनके चेहरे पर जो आड़ी तिरछी झुर्रियाँ थीं वो पड़ी हुई थी, पूरे चेहरे पर उनके आड़ी तिरछी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी या उनका जो चेहरा था वो झुर्रीदार था। नो वी वर सर्टेन, नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे या मैं निश्चित था। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। सी हैड ऑलवेज बीन, वो सदैव वैसी ही थी, वी हैड नोन हर, जितना जब से हम मैं उनको जानता हूँ। तो वो सदैव निश्चित रूप से एक जैसी ही थी जितना जब से मैं उनको जानता हूँ। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड, वृद्ध और अधिक वृद्ध, बूढ़ी या अत्यधिक बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और अब वो इससे ज़्यादा, शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, ग्रोन ओल्डर माने अधिक बूढ़ा हो, तो अब इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम फॉर 20 ईयर्स, और वे लगभग 20 सालों से इसी अवस्था में थी। सेम एज मीन्स इसी अवस्था में थी। तो वे बूढ़ी थी और अत्यधिक बूढ़ी थी, और अब वे इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, और वे 20 सालों से इसी आयु में थी, अर्थात वृद्ध थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी मनमोहक नहीं थी। प्रेटी मीन्स मनमोहक, अति सुंदर। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी मनमोहक नहीं थी, आकर्षक नहीं थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो सदैव सुंदर थी, लेकिन वो सदैव सुंदर थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, हॉबल्ड मीन्स होता है इधर उधर घूमना, बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूमना। तो सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेतरतीब बिना मतलब के घूमती रहती थी। इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड, स्पॉटलेस वाइट मतलब वो सफ़ेद साड़ी पहनती थी, ठीक है। तो वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर, ठीक है, स्पॉटलेस माने बिना दाग धब्बों वाली, तो वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर घर में इधर उधर बेतरतीब तरीके से घूमती थी। विद वन हैंड ऑन हर वेस्ट, और उनका जो एक हाथ था वो उनकी कमर पर होता था। वेस्ट माने कमर, बुढ़े लोग होते हैं अपना संतुलन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक हाथ को अपने कमर पर रख लेते हैं। तो वही लेखक ने लिखा है कि विद वन हैंड ऑन हर वेस्ट, उनका जो एक हाथ था वो उनकी कमर पर था। टू बैलेंस हर स्टूप, टू बैलेंस हर स्टूप,
उनके झुकाव को संतुलित करने के लिए, स्टूप मीन्स झुकाव, तो उनके झुकाव को संतुलित करने के लिए उनका एक हैंड, एक हाथ सदैव उनकी कमर पर होता था। एंड अदर टेलिंग द बीट्स, और दूसरे में वो बीट्स मीन्स होते हैं मन के, बीट्स मीन्स माला देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है, तो उसमें क्या होती हैं, मन के दिए होते हैं, 108, 102 जितने भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की माला होती हैं। तो द बीट्स ऑफ हर रोजरी एंड अदर टेलिंग, और वो एक हाथ में माला लिए हुए, रोजरी मीन्स होता है माला, रोजरी मीन्स माला, तो एक हाथ में वो अपनी माला के मन के गिना करती थी, अर्थात माला का जाप किया करती थी। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।